हेलो एवरीवन, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं मी डिजियर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं DIY बास्केट, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी एंड सॉरी फॉर द डिले, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया इसको आपके सामने लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बास्केट्स का यूज़ किया है और इसमें आज हम फ्रूट की पैकिंग करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे ढेर सारे फ्रूट्स। तो यहाँ पर जो बास्केट है, देखिए मैंने यहाँ पर दो बास्केट पहले से तैयार करके रखी हुई है और दोनों में अलग अलग तरीके से की है। इसके अंदर मैंने पॉलीथीन से रैप किया है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ मैंने इसमें कपड़े की कोटिंग की है। और साथ ही साथ जो आपको दूसरी बास्केट दिख रही है, इसमें मैंने अंदर और बाहर दोनों तरफ कपड़े को इस्तेमाल किया है। तो जैसे भी चाहें आप बना सकते हैं, दोनों मेथड मैं आपको बता दूंगी, जो आपको इजी लगे वैसे बनाइए। और इस तरीके की बास्केट में आप ड्राई फ्रूट्स को भी सर्व कर सकते हैं, मतलब गिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो फ्रूट्स को। बहुत इजी रहता है और कैरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। अगर आपको कहीं बाहर लेकर जाना है शगन, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और इस तरीके से आप पैक करके ऊपर से इस तरीके से बांध देंगे तो ये गंदा भी नहीं होता और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो इस तरीके की बास्केट हम बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा बास्केट लिया है। आप बास्केट का साइज़ अपने हिसाब से लीजिए, जितने ज़्यादा आपको फ्रूट्स पैक करने हैं या ड्राई फ्रूट्स जिसकी भी पैकिंग करनी है, उतना बड़ा आप बास्केट ले लीजिए। उसके बाद हम सबसे पहले कपड़े को मेजर करके कट करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है, ये एग्जैक्टली शनील का कपड़ा नहीं है, ये हल्का सा वेलवेट टच का है, मतलब एक साइड वेलवेट है और दूसरी साइड थोड़ा सा रफ टाइप का ये कपड़ा है। तो इसको नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, ये मार्केट में मुझे मिल गया था और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला है, 40 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मिला। तो काफ़ी इजी है और चीप पड़ता है ये इस बास्केट्स वगैरह बनाने के लिए, तो लोग यही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यही इस्तेमाल किया। और ये इसकी ख़ास बात ये भी है कि ये जो कपड़ा है ना, बहुत आसानी से स्टिक हो जाता है। तो अगर आपके लोकल शॉप से मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना मैं आपको अमेज़ॉन का लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी कि आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकें। तो यहाँ पर अब हमें इसे बास्केट को कवर करना है। तो कवर करने से पहले हम यहाँ पर इसका जो बेस है, इसमें इस तरीके से एक थोड़ा सा मोटा सा कार्डबोर्ड रख देंगे काट कर, ताकि वो अंदर की तरफ हम इसमें आसानी से चीज़ें को रख सके। वैसे ऐसे भी रख सकते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और वो विजिबल नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक कट करके पीस को लगा दिया है। इसको लगाने के लिए मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल किया है। अब हम इसके ऊपर कपड़े को चिपकाएंगे। तो ध्यान रखिए, जो मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ, इस तरीके से आप मत करिएगा, इससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या प्रॉब्लम आती है जब हम इस तरीके से पैकिंग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब मैं इसे नीचे की तरफ टक करने की कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत सारी प्लेट्स बनती जा रही हैं और ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले मैंने इस तरीके से ट्राई किया, जब वो अच्छा नहीं लगा तब फिर मैंने दूसरे मेथड से आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे लुक काफ़ी फिनिशिंग वाला आता है। तो इस तरीके से आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसमें रिंकल्स भी आएंगे और साथ ही साथ वो देखने में उतना प्रोफेशनल नहीं लगता, जैसे कि आप मार्केट से लाते हैं, उस टाइप की फिनिशिंग इसमें नहीं आ पाती है। तो जो दूसरा मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करनी है इसकी पैकिंग। इस पर मैंने बहुत कोशिश की इस तरीके से इसको करने की, लेकिन वो फाइनली नहीं हो पाया। तो मैंने इस कपड़े को पूरा खोल दिया और फिर वापस से इस तरीके से बेस लगाया और यहाँ पर मैं इसको उल्टा करके प्लेस किया, यानी जो कपड़ा है, जो रफ साइड है, उसको मैंने बास्केट के ऊपर प्लेस कर दिया और इस तरीके से हम टक करेंगे, यानी जो वेलवेट का स्मूथ साइड है वो हम बाहर की तरफ लेकर आएंगे। और ऐसा करने से आप बहुत आसानी से, जो बहुत कम से कम रिंकल्स इसमें पड़ेंगे, उससे आप इस तरीके से पैक कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से खींच कर इस कपड़े को नीचे से अंदर की तरफ टक करते जाना है और हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल करते हुए आप ये काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगी कि ग्लू गन का ही इस्तेमाल करें, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो बस आपको इस तरीके से प्लेट्स बनाते जाने हैं और इसके अंदर टक करते जाना है। जो आपको अभी अनइवन से चीज़ें दिख रही हैं इसमें, वो भी विजिबल नहीं रहेंगी। उसके बाद चाहे तो, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके से मैंने बास्केट्स बनाई हैं, एक में मैंने यहाँ पर अंदर पॉलीथीन का यूज़ किया है, एक में मैंने यहाँ पर कपड़ा लगाया था। तो दोनों तरीके आपके लिए इजी रहेंगे, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो वैसे आप कर लीजिए। पहले आप इस तरीके से अंदर की तरफ सारे कपड़े को फोल्ड कर दीजिए, उसके बाद जो आपको अनइवन सा दिख रहा है इसके ऊपर, आप चाहे तो इतने नाप का कट करके कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और दूसरी तरीका बताती हूँ, जिससे आप को पूरा कवर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप इसके अंदर अच्छे से एक पॉलीथीन को लगा सकते हैं। तो जो हम लोग पेपर गिफ्ट रैपिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, वही वाला पेपर मैंने यहाँ पर लिया। इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया
और फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर इसको अंदर की तरफ इस तरीके से लगा दूंगी। इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएं सर्कुलर शेप में और इस तरीके से लगा दें। मैंने पूरे पे नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी कपड़ा भी दिख रहा है तो इतना ख़राब नहीं लगता वो देखने में। तो इस तरीके से मैं अंदर की तरफ इसको भी ग्लूगन की सहायता से चिपका दूंगी। ध्यान रखिए ग्लूगन के साथ जब भी काम करें तो बहुत सावधानी से करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और ये हाथ पर काफ़ी जल्दी लग जाता है, तो बहुत सावधानी से ही काम करें। और इस तरीके से लगाते हुए हम सारी अच्छी से ये पॉलीथीन को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमारा मैंने आपको दिखाया था ना, हमने नेट का एक कपड़ा लगा रखा है वो हम यहाँ पर लगाएंगे और उससे जो इसका लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा और फिनिश लुक दिखेगा। तो ये देखिए मैंने इसको कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ये कपड़ा है इसको नेट का क्लॉथ बोलते हैं, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, ये पैकिंग के शॉप्स पे या फिर क्राफ्ट के शॉप से बहुत आसानी से मिलता है। तो इसको भी मैंने ऊपर से नाप करके कट कर लिया था जितना भी बड़ा मुझे ऊपर तक फोल्ड करना है। और इस तरीके से कट करते हुए हम इसके सर्कमफेरेंस पर लगाते जाएंगे। ध्यान रखिए पहले आप इसको अच्छे से कट कर लें इसको नाप करके, उसके बाद इसको लगाएंगे तो बहुत आसानी से चिपक जाएगा, वरना आपको बाद में कटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले आप इसको नाप करके कट कर लें। देखिए पहले मैंने नाप लिया था बास्केट के साइज़ का, उसके बाद यहाँ पर तो ग्लू गन से लगाते हुए बहुत आसानी से चिपक गया। और ये जो जॉइंट्स दिख रहे हैं इनको भी हम अच्छे से ग्लू गन की सहायता से जॉइन कर लेंगे दोनों एंड्स को। हल्का सा ग्लू लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, और इन दोनों को आपस में जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो ऊपर का कवरिंग है वो भी रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी लेसेस लगा के इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से बन गया। और इस तरीके का बास्केट आप मार्केट से लेते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है, तो चॉइस आपकी है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। और इस तरीके से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन रिबन लगाया है क्योंकि रेड के साथ गोल्डन काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसको भी हम यहाँ पर नाप करके कट करके इस तरीके से लगा देंगे। आप जैसा भी चाहें इसमें रिबन या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने यहाँ पर ये अप्लाई किया। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे शेयर किए हुए हैं आपके साथ फ्रूट पैकिंग और ड्राई फ्रूट पैकिंग के आइडियाज़। उसमें मैंने कुछ में रेडीमेड बास्केट्स का भी यूज़ किया है जो भी आसानी से मिल जाती हैं। जो रेडीमेड बास्केट जो मेटल बेस पे आती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, मतलब 400 to 500 की रेंज में पर बास्केट भी आपको मिलती है। वो डिपेंड करता है आपका बजट कैसा है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो कपड़ा मैंने यूज़ किया इसके ऊपर कोई भी प्रिंट नहीं था। पहले वाली जो बास्केट्स मैंने बनाई थी उसमें जो कपड़ा यूज़ किया था उसमें छोटे छोटे इससे पोल्का डॉट्स से बने हुए थे तो वो देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से छोटे छोटे अलग से थोड़े से मिरर टाइप के कह दीजिए, ये मेरे पास डेकोरेशंस पड़े हुए थे तो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और यहाँ पर जो अब आपको ऊपर की साइड दिख रही है ना, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा गोटा लगाकर इस तरीके से सजा देंगे तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इसको हमेशा अंदर की तरफ से लगाएं क्योंकि ये जो है फोल्ड होने के बाद वापस से उल्टा होके दिखता है, तो इसीलिए देखिए मैं इसको अंदर की तरफ लगा रही हूँ ताकि जब मैं इसकी पोटली जैसी बनाऊँ तो ये बाहर की तरफ दिखे। तो इस तरीके से आप इसको लगाकर बहुत आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप वेडिंग रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी लाइन अप कर रखी हैं मैंने कुछ वीडियोस जो रिक्वेस्टेड थी पहले से, तो उसमें जल्दी जल्दी से आने वाली हैं अभी आपके लिए और भी पैकिंग के वीडियोस। तो आप देखते रहिए मेड इजियर, इसमें मैं आपको और भी इससे अच्छे अच्छे पैकिंग के आइडियाज़ बताऊँगी। तो ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है देखने में, और जो हमने लेस लगाई है इससे और भी अच्छा लुक आ गया है इसका। तो बस अब आप इसके अंदर चाहे फ्रूट्स पैक कर सकते हैं, चाहे ड्राई फ्रूट्स पैक कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको पैक करके गिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर चॉकलेट्स या फिर किसी स्पेशल ओकेजन के लिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेड इज़ ईयर।